अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट मैथमेटिक्स 4024, वेलकम टू मैथ्स गुरु। आई होप यू ऑल आर फाइन। आई एम फाइन टू अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट फॉर द काइंड विशेस। आप लोग की दुआओं का बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आप सबको अच्छे नंबरों से कामयाब करे। आमीन। आप सबको दीन और दुनिया की तमाम तरक्की और कामयाबियाँ नसीब करे। आमीन। ऑनेस्टली इट वॉज नॉट पॉसिबल विदाउट यू। आप लोग के कॉन्स्टेंट सपोर्ट और कॉपरेशन और मोटिवेशन की वजह से ये चैनल यहाँ तक पहुँचा है। दैट्स वाई आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज़ कीप सपोर्टिंग द चैनल। इसी तरह चैनल को सपोर्ट करते रहना और हमें अपनी दुआओं में याद रखना। बाकी लेट जस्ट टॉक अबाउट दिस वीडियो। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रेड 10 के स्टूडेंट्स के लिए। अलहमदिल्ला ग्रेड 11 के मैथ्स का P1 और P2 दोनों हो चुके हैं। नाउ इट्स टर्न फॉर ग्रेड 10 स्टूडेंट्स। अब ग्रेड 10 स्टूडेंट्स की बारी है। मंडे को इनशाला उनका मैथ्स का P1 है और वेंसडे को जो है वो उनका मैथ्स का P2 है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमने सिलेबस जो दिया है मैथ्स का वो ये दिया है कि ऑल द टॉपिक्स ऑफ ग्रेड 10 एंड द रेलेवेंट टॉपिक्स ऑफ ग्रेड 9 आर इंक्लूडेड। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई ये रेलेवेंट टॉपिक्स कौन से हैं। तो भाई मैथ्स में तो सारे टॉपिक रेलेवेंट होते हैं क्योंकि मैथ्स में सारे कॉन्सेप्ट जो है वो इंटर कनेक्टेड हैं। तो मैथ्स में रेलेवेंट टॉपिक्स बताना बड़ा मुश्किल है। तो इसीलिए मैंने आपको ये बोला था कि भाई ग्रेड 9 के और ग्रेड 10 के सारे टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे फॉर द मैथ्स के सिलेबस के लिए, मैथ्स के पेपर्स के लिए। अच्छा, दूसरी इन्फॉर्मेशन ये बताई थी हमने आपको कि भाई आपका पेपर जो है वो सेंट्रलाइज है, तो फिर आप कुछ छोड़ नहीं सकते क्योंकि पेपर सेंट्रलाइज है। मैंने नहीं बनाया पेपर, तो मुझे आइडिया नहीं है पेपर में क्या आ रहा है। लेकिन यह है कि मैंने जो है वो यहाँ कुछ लिस्ट ऑफ टॉपिक्स जमा किए हैं। गारंटी के साथ मैं कुछ नहीं कह सकता, ये नहीं कह सकता कि भाई यही टॉपिक आपके पेपर में आ रहे हैं। लेकिन यह है कि मैं एक थोड़ा सा अपना गैस जो है वो आप लोग के साथ जो है वो शेयर कर सकता हूँ। तो आई होप ये तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगा इंशाल्लाह। जल्दी से टॉपिक्स की बात कर लेते हैं। मैथ्स का पेपर P1 आपको बताया कि भाई 80 मार्क्स का होता है, 2 आवर्स का होता है, कैलकुलेटर उसमें अलाउ नहीं होता। टॉपिक्स की जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं क्योंकि हमने आपको बोला है ग्रेड 9 और ग्रेड 10 के दोनों के टॉपिक्स आ रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है, वो नंबर्स है। नंबर्स का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर्स का टॉपिक तुम्हें अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। ये बिल्कुल पास पेपर से ही इसकी प्रैक्टिस करना। पिछले 5 साल अगर आप वेरिएंट 1 वेरिएंट 2 के क्वेश्चंस कर लेते हो तो नंबर्स के टॉपिक की काफ़ी अच्छी जो है वो आपकी तैयारी हो जाएगी। अच्छा, नंबर के टॉपिक में किस तरह के क्वेश्चंस जो है वो ज़्यादा एक्सपेक्टेड है, भाई देखो इसमें फ्रैक्शंस ही पूछे जाते हैं। हमने भी जब भी असेसमेंट में पूछा था तो हमने फ्रैक्शंस ही पूछे थे। फ्रैक्शंस को ऐड करना, फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करना, फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना, फ्रैक्शंस को डिवाइड करना। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ तो हमें आनी चाहिए कि भाई अगर फ्रैक्शंस 2 डिवाइड हो रहे हैं तो हमें जो है वो डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करना है, कौन सा फ्रैक्शन फ्लिप होगा, फिर उसके बाद कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये वाला जो टॉपिक है फ्रैक्शंस वाला, ये अच्छी तरीके से कर लेना। उसके बाद जो नंबर ग्रेटर देन और लेस देन होते हैं, जैसे मैं 4 से 5 नंबर तुम्हें दे दूं और बोलूं कि भाई ग्रेटर नंबर जो यूनिट्स में कन्वर्जन हो जाती है, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, वो वाली चीज़ें जो हैं वो ज़रा अच्छी तरीके से करना। और फैक्टर्स हो गए, रैशनल नंबर्स हो गए, रैशनल नंबर्स हो गए, ये सारी चीज़ें जो है ना ये आपके नंबर्स में आती हैं, तो ये आपको करना है। डेसिमल से परसेंटेज, परसेंटेज से डेसिमल, ये चीज़ें जो है ना इसकी अच्छी तरीके से जो है वो प्रैक्टिस कर लेना क्योंकि नंबर्स के टॉपिक में याद ही है। नंबर्स की वेटेज भाई 10 से 15 मार्क्स की लाजमी होती है, तो आपके पेपर में भी ये आएगा और विदाउट कैलकुलेटर आपको ये करना पड़ेगा। तो इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस जो है वो आपको करनी पड़ेगी। इंडाइसिस और स्टैंडर्ड फॉर्म अगला टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडाइसिस में जो 5 बेसिक रूल्स हैं जिसमें आपको पावर्स ऐड करनी होती है, पावर सब्ट्रैक्ट करनी होती है, डबल पावर लॉ है, और आपका जो वो नेगेटिव पावर वाला लॉ है और जो जीरो पावर वाला लॉ है, तो ये जो बेसिक लॉज हैं इनकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना है। इंडाइसिस में ब्रैकेट्स के ऊपर पावर है तो वो कैसे सॉल्व होती है, इंडिविजुअल पावर्स जो है वो कैसे अलॉट करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2x² है और फिर होल ब्रैकेट है, फिर आगे 6 लिखा हुआ है, तो 2 को भी पावर 6 देनी होती है और x² को भी जो है वो पावर आपको 6 देनी पड़ेगी। इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं ना, जो वो डबल पावर वाले होते हैं, तो वो उनकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना। स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता है, आपको जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर्स ऐड भी करवाएगा, सब्ट्रैक्ट भी करवाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड भी करवा सकता है। स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको नंबर्स वो अरेंज भी करवा सकता है। तो ये वाला जो टॉपिक है इसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना। 6 से 8 मार्क्स इसकी वेटेज है। अलजेब्रा 3rd टॉपिक आ गया, ठीक है, अलजेब्रा की प्रैक्टिस अच्छी तरीके से कर लेना। अलजेब्रा जब मैं बोलता हूँ तो अलजेब्रा में आपको एक्सपेंशन करनी होती है, फैक्टराइजेशन करनी होती है। फैक्टराइजेशन का मतलब आपको कॉमन लेना होता है, ये लीनियर के लिए भी करना, क्वाड्रेटिक के लिए भी करना। क्वाड्रेटिक अगर आपके पास एक एक्सप्रेशन दिया, उसको फैक्टराइज करने के लिए आपको मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड अप्लाई करना होता है, तो वो वाली चीज़ भी अच्छी तरीके से कर लेना। और बाकी अलजेब्रिक फ्रैक्शंस को कैसे सॉल्व करते हैं, ये भी सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, तो ये भी देख लेना अच्छी तरीके से कि भाई अगर फ्रैक्शंस में जो है वो डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ रहे हैं तो एलसीएम कैसे लेते हैं। तो वो वाले टॉपिक जो है ना ये अलजेब्रा में बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ये हर साल आपको पता है असेसमेंट में भी यही पूछा जाते हैं,
तो एक्सपेक्टेड यही है कि आपके पेपर में भी जो है वो इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वही जो जो बेसिक चीजें हैं, मिड पॉइंट हो गया और ग्रेडियंट हो गया और पैरेलल परपेंडिकुलर लाइंस हो गया, लाइन ऑफ इक्वेशंस हो गई, तो ये इक्वेशंस ऑफ लाइन सॉरी, तो ये सारी चीजें जो है ना ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी कर लेना। बाकी एरिया ऑफ ट्राइंगल भी देख लेना उसमें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट किस तरह एरिया निकलता है। इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी में आपको ग्राफिंग इनइक्वालिटी जो होती है ना, जिसमें ग्राफ होता है, आपको रीजन शेड करना होता है और आपको जो है वो एक रीजन दिया जाएगा, बोलेगा भाई दिस रीजन इज डिस्क्राइब बाय थ्री इनइक्वालिटीज, वो तीनों इनइक्वालिटी लिख के दिखाओ, उसमें से एक दे देगा, दो आपसे लिखवाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है इनइक्वालिटी का, ये लाजमी आता है। इसकी वेटेज जो है वो 4 to 6 marks की है, लेकिन ये लाजमी आएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी 4 to 6 marks का आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। अलजेब्रा की जो है वो 10 to 15 marks की बुक जो है ना, आराम से जो है वो आप रख सकते हो वेटेज। तो नंबर्स भी 10 to 15 हो गया, ये 6 to 8 हो गया, ये 10 to 15 हो गया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 4 to 6 marks कर लो, ये भी 4 to 6 marks। वेरिएशन आपको याद होगा 9 के सेकंड टर्म में हमने किया था, वेरिएशन में डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस आते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जो वो जिसमें आपको बताता है कि एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वाई, और फिर जो है वो के की वैल्यू निकालनी होती है, और फिर आगे जो है वो आपसे टेबल कंप्लीट कराते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है ना वो वेरिएशन में अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना। स्क्वायर के भी कर सकते हो आप, जैसे एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ पी, या स्क्वायर रूट ऑफ पी, या क्यूब ऑफ पी, या क्यूब रूट ऑफ पी। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है ना वो वेरिएशन में लाजमी करना, ये भी 4 to 6 marks ही इसकी वेटेज अपने पास रख लो। मेट्रिसेस बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, मेट्रिसेस जो है वो P1 में लाजमी आता है। मैट्रिसेस में दो चीजें जो है ना वो अच्छी तरीके से कर लेना, इनवर्स आपको निकालना आना चाहिए किसी भी मैट्रिक्स का, डिटरमिनेंट कैसे निकलता है, और जो एडजॉइंट वाला जो कॉन्सेप्ट है, मतलब ऐसा होता है कि इनवर्स, ए इनवर्स अगर आपको निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है बना, वो होता है 1/d डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय द एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकलता है, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलता है, ये चीज जो है वो अच्छी तरीके से देख लेना मैट्रिसेस में। मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कैसे होते हैं ये देख लेना। ऐड और सबट्रैक्ट तो बड़ा आसान होता है, एलिमेंट टू एलिमेंट होता है, लेकिन जो दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई होते हैं वो कैसे होते हैं तो वो चीज जरा देख लेना। इनवर्स निकालने के लिए हम पहले डिटर्मिनेंट निकालते हैं, डिटर्मिनेंट अगर जीरो आ जाए तो क्या होता है, अगर जीरो नहीं आता तो क्या होता है। तो ये चीजें जो है ना, इसकी काफी सारी वीडियोस मैंने चैनल पे डाल दी हुई, ऑल्दो ये ग्रेड 9 का टॉपिक है, हमने 10 में तो नहीं पढ़ा, 1 साल हो गया आपको पढ़ के, डेफिनेटली आप इसको भूल गए होगे, लेकिन इसकी काफी वीडियोस है जो कि आप देख लेना, आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो रिफ्रेश हो जाएगा। इंशाल्लाह पास पेपर क्वेश्चन भी मेट्रिसेस के मैंने सॉल्व किए हुए, तो थोड़ी सी तुम लोग को जो है ना वो एक्स्ट्रा एफर्ट यहाँ करनी पड़ेगी, क्योंकि ये P1 है, P1 में ग्रेड 9 के टॉपिक्स जो है ना तुम देख रहे हो, सारे ग्रेड 9 के टॉपिक्स ही मैंने डाले हुए, तो ग्रेड 10 के टॉपिक्स कम ही होते हैं जो P2 में आते हैं। अच्छा, यहाँ मैंने लिखा है मेंसुरेशन, मेंसुरेशन में बेसिक बेसिक मेंसुरेशन कर लेना, मतलब वो सारे फॉर्मूलाज तुम्हें आने चाहिए, क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, क्यूब का क्या होता है, सिलेंडर का क्या होता है, कोन का क्या होता है, और पिरामिड का क्या होता है। प्रिज्म बेशक छोड़ दो, लेकिन पिरामिड जरूर कर लेना कि पिरामिड के वॉल्यूम का जो है वो क्या फॉर्मूला होता है, और अगर उसका टोटल सर्फेस एरिया निकालना है तो क्या है। लेकिन P1 में मेंसुरेशन के बेसिक लेवल क्वेश्चन आते हैं, इतने हार्ड नहीं आते, और ये 3 to 4 marks के आते हैं, तो इसमें से इसमें ज्यादातर तुम्हें सरफेस एरिया निकालना होता है, या वॉल्यूम अगर आ गया तो आ गया, लेकिन ये तुम्हें बोलेगा कि पाई की वैल्यू जो है ना वो मत पुट करना, पाई की टर्म्स में अपना आंसर दो। तो क्यूबॉइड हो गया, क्यूब हो गया, वो सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, और पिरामिड हो गया। तो ये सारी चीजें जो है ना, इनके फॉर्मूलाज अच्छी तरीके से कर लेना, फॉर्मूला शीट तुम्हारे पास है, उसको अच्छी तरीके से जो है वो देख लेना, उसमें सारे फॉर्मूलाज लिखे हैं, 2D के भी लिखे हैं, 3D के भी लिखे हैं। स्टैटिस्टिक्स में मीन, मीडियन, मोड ऑफ ग्रुप्ड और अनग्रुप डाटा, ये लाजमी कर लेना भाई, जैसा अभी हमने असेसमेंट में सवाल दिया था बिल्कुल इस तरह का सवाल एक्सपेक्टेड है। टेबल वाले में याद रखना, देखो हमने दो चीजें डिस्कस की थी, एक ग्रुप डाटा होता है, एक अनग्रुप डाटा होता है। ग्रुप डाटा में रेंज गिवन होती है, मतलब एक जो है वो हायर लिमिट होती है, एक लोअर लिमिट होती है, ग्रेटर देन लेस देन वाले साइंस होते हैं। लेकिन जो अनग्रुप डाटा होता है वो रैंडम नंबर्स भी लिखे होते हैं, रॉ नंबर्स भी लिखे होते हैं, और वो ग्रुप वो टेबल की फॉर्म में भी आता है समटाइम्स। तो जब भी टेबल की फॉर्म में आता है ना मीन निकालने के लिए, तुम्हें एफएक्स तो निकालना ही पड़ेगा, तो इसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना। इसके अलावा हिस्टोग्राम्स देख लेना, और वो देख लेना कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, क्योंकि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व में जिसमें मीडियन निकालते थे, इंटरक्वार्टाइल रेंज निकालते थे, और अपर क्वार्टाइल लोअर क्वार्टाइल, तो वो वाली चीजें थोड़ी सी देख लेना। ये तुमने अभी अभी की है तो ये तुम्हें अच्छी तरीके से याद भी होंगे। इसके काफी सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए हैं चैनल पे, कुछ मैंने वर्कशीट्स में दिए हैं, तो तुम्हें जो है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बनाना आना चाहिए। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, कैसे ऐड करते हुए जाते हैं आगे, तो ये वाली चीज थोड़ी देख लेना। सर्कल प्रॉपर्टीज में आसान क्वेश्चन आता है P1 में, लेकिन सर्कल प्रॉपर्टी में वो जो मैंने तुम्हें फॉर्मूले लिखाए थे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन, और इंटीरियर एंगल कैसे निकालते हैं एक रेगुलर पॉलीगॉन का, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, वो फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, उसका सवाल लाजमी आता है P1 में,
तो वो फॉर्मूलाज जो है ना अच्छी तरीके से याद करके आना कि मैं जो है वो रेगुलर पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल्स कैसे निकाल सकता हूँ, एक इंटीरियर एंगल या सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कैसे निकाल सकता हूँ। तो ये वाला जो पार्ट है ना ये तुम करके आना, सर्कल प्रॉपर्टी 10 मार्क्स की आ सकती है। फंक्शंस और ग्राफ ऑफ फंक्शंस, बिल्कुल फंक्शंस में आपको पता है, या फिर वो इनपुट चेंज करने के लिए दे देगा या फिर वो इनवर्स ऑफ अ फंक्शन जो है वो फाइंड आउट करने के लिए दे देगा। ग्राफ ऑफ फंक्शंस में आइडेंटिफिकेशन का क्वेश्चन आएगा, जैसे हमने क्लास में किया था कि मैं आपको 3 4 ग्राफ्स बना के देता हूँ, 3 4 इक्वेशंस देता हूँ, बोलता हूँ मैच करो, तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत एक्सपेक्टेड है। ये चीज पेपर वन में आती है। लास्ट टॉपिक मैंने यहाँ काइनेमेटिक्स लिखा हुआ है। काइनेमेटिक्स आपको पता है ये P1 में आता है, इसमें आपको स्पीड टाइम ग्राफ है, ट्रेपीजियम बना हुआ हो सकता है, लेकिन अगर ट्रेपीजियम ना भी हो तो दूसरे टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। इसके लिए मैं तुम्हें ये बोलूंगा, जो वर्कशीट काइनेमेटिक्स की दी है ना तुम्हें, वो वर्कशीट कर लो अच्छी तरीके से, तो तुम्हारा जो है ना इंशाल्लाह क्वेश्चन जो है वो पेपर में उसी तरह का इंशाल्लाह आप लोगों को मिल जाएगा। क्योंकि ये ज्यादातर जो है तुमने देखा है कि पास पेपर में भी जो है वो इसी तरह के होते हैं, जैसे हमने तुम्हें वर्कशीट में दिए थे उसमें काइनेमेटिक्स में आपको स्पीड टाइम और डिस्टेंस टाइम ही करना होता है। स्पीड टाइम में जो है वो आपको एरिया अंडर द कर्व डिस्टेंस निकालना होता है, एवरेज स्पीड है और टोटल डिस्टेंस से रिलेटेड। तो अभी आपके जो असेस वो हुए थे, एग्जाम्स हुए थे, मिड ईयर एग्जाम्स, आपका जो असेसमेंट हुआ है उसमें भी जो है वो काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन आया था, तो वही काइनेमेटिक्स जो है वो उसी तरह बस उसी लेवल तक करो, क्योंकि ये P1 है, P1 में थोड़े से क्वेश्चन जो है ना वो बेसिक लेवल के आते हैं। इसके अलावा मैंने कुछ टॉपिक्स हैं जो नहीं लिखे यहाँ, तो उनकी जो इम्पोर्टेंस है बहुत कम है। सिमेट्री है, जैसे सिमेट्री की इम्पोर्टेंस कम है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें बोलूंगा कि भाई वो जो वीडियो मैंने बनाई है वो देख लो, उससे ये कम से कम तुम्हें सिमेट्री का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट तो आ ही जाएगा। बाकी इतनी इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास। इसके अलावा इंशाल्लाह मैं आज प्लान मैंने किया हुआ एक क्वेश्चन आंसर सेशन कंडक्ट करने का, तो वो भी लाजमी तुम लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा। वो मगरिब के बाद ही होगा, तो उसको भी लाजमी अटेंड कर लेना। जो क्वेश्चन तुम्हारे जहन में है वो मुझसे पूछ लेना। आज इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम लोग को थोड़ा सा टाइम मिल जाए प्रिपरेशन का। कल रात को करूंगा तो फिर कल रात को तो टाइम ही नहीं होगा बिल्कुल। तो आज इंशाल्लाह उम्मीद है कि 8 9 बजे तक जो है ना वो एक क्वेश्चन आंसर सेशन कंडक्ट करेंगे, तो उसमें अपनी सारी क्वेरीज ले आना। रिवीजन क्लास तो नहीं है वो, लेकिन यह कि हम इसी तरह रिवीजन जो है वो कर लेंगे, कुछ फॉर्मूलाज जो है डिस्कस कर लेंगे, कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे, तो इंशाल्लाह फिर जो है वो क्वेश्चन आंसर सेशन में मिलते हैं। अंटिल देन ये वीडियो देख लो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।